आजकल कैब सर्विस का लाभ हर कोई व्यक्ति उठा रहा है। कई कैब कंपनियों ने लोगों का आना जाना आसान किया तो कई दिक्कतें भी आने लगीं। कस्टमर को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कभी आधे रास्ते पर उतार देना, कभी एक्स्ट्रा चार्ज मांगना, महिलाओं से छेड़छाड़ जैसे मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। पत्रिका पड़ताल में कुछ दिक्कतें भी सामने आईं, जिन्हें लोगों ने सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया। आइए जानते हैं लोगों का इस बारे में क्या है कहना। वर्तमान समय में कैब ड्राइवरों की मनमानियां लगातार बढ़ती जा रही है। कैब ड्राइवर अपने मनमाने शुल्क वसूल कर रहे हैं, जितना शुल्क आता है उससे अधिक वसूल कर लेते हैं। बाइक बुक की थी रैपिडो से, तो उसमें जो चार्जेस आ रहा था मेरे घर के लोकेशन का, वो 20 रुपए आ रहा था। और जब मैं राइड लेके घर पहुंची, तो घर के बाहर जब मुझे ड्रॉप किया तो उन्होंने कहा कि आपके मैम 60 रुपए हो गए। तो इस तरीके की दिक्कतें काफी आती हैं। मैंने कल ही राइड बुक की है, वो बार बार फोन करके पूछता है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। अगर कहीं दूर जाना हो तो मना कर देते हैं, अगर नजदीक हुआ तो कैंसिल कर देते हैं। तो ये थोड़ा कैब ड्राइवर जो मनमानी है उसको थोड़ा संतुलित करना चाहिए। राइड ली थी तो उसमें उन्होंने एक बार तो राइड ही कैंसिल कर दी, तो उससे भी मुझे इनकन्वीनियंस काफी हुआ, मुझे काफी टाइम भी लग गया। फिर एक बार जब उन्होंने राइड तो बुक करी, फिर उसके बाद उनको डेस्टिनेशन भी मिला जहाँ में जाना था, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया, तो उन्होंने मुझसे एक्स्ट्रा चार्ज भी किया। अब मजबूरी में देना पड़ता है। कैब ड्राइवर है उनकी बहुत ही मनमानी चल रही है। आप कई बार वो राइड कैंसिल कर देते हैं, कई बार जो गाड़ी आती है वो बिना नंबर प्लेट के आती है, जो नंबर प्लेट हमें दिखाया जाता है वो अलग होता है, और इससे महिला सुरक्षा पर एक बहुत ही बड़ा खतरा। साथ ही लोगों ने सोशल मीडिया के द्वारा भी अपनी शिकायतें जमकर शेयर की, जिसमें सबसे ज्यादा शिकायतें एक्स्ट्रा चार्ज की और ड्राइवरों की बदतमीजी की सामने आईं। हालांकि कुछ लोगों ने ड्राइवरों के साथ अच्छे अनुभव भी साझा किए, लेकिन तुलना की जाए तो शिकायतें ज्यादा देखने को मिली। कैब एग्रीगेटर्स की बढ़ती शिकायतों को देखकर नागरिकों को जागरूक रहने की आवश्यकता है। आप भी यात्रा के दौरान ऐसी परेशानियां झेल रहे हैं तो तुरंत शिकायत करें। शिकायत के लिए कंपनी कई तरह के ऑप्शंस देती है, जिसमें सेफ्टी, पेमेंट, राइड एक्सपीरियंस जैसी कई बातों के संदर्भ में शिकायतें की जा सकती हैं।